हमारे इस नामांकन रैली के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तीनों जिलों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के रतलाम नगर के विधायक आदरणीय कश्यप जी, बैठलावत विधानसभा से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री बहन निर्मला जी, नागर सिंह चौहान जी, सम्मान्य मंच उपस्थित सभी लाडली बहनों, कार्यकर्ता और सभी माताओं बहनों को मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बंधुओं, आज की इस नामांकन रैली में जैसा आप बस स्टैंड पर देख रहे हैं कि पूरा बस स्टैंड खचाखच भरा हुआ है और जितने लोग यहां पर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग बाहर इस झाबुआ के एक एक बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि केवल नामांकन रैली नहीं, ये राम भक्तों का मेला है, ऐसा हम सब लोगों को यहाँ पर लग रहा है। रैली नहीं ये रेला है, राम भक्तों का, जोर से बोलना है, रैली नहीं ये रेला है, राम भक्तों का मेला है। इस प्रकार के इस आयोजन में आप सब लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम सब लोगों को पता है ये लोकसभा का चुनाव है और इस लोकसभा के चुनाव में हम सब लोगों को प्रत्येक मतदान केंद्र से जो यहाँ पर बूथ समिति और उसके सहयोगी कार्यकर्ता पधारे हैं, उन सब लोगों को आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर के पश्चात हमारे बीच में आएंगे, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय देवड़ा जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, सभी मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ नेतृत्व मंच पर उपस्थित है और हम सब लोगों को यहाँ पर यह संकल्प लेकर के जाना है कि अपने अपने मतदान केंद्र को हमें भारी बहुमत से जिताना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको ये मंत्र दिया है कि हमारे इस लोकसभा की जीत का जो मंत्र है, वो जीत का मंत्र है हमारा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतेंगे तो लोकसभा हम जीतेंगे, ये फार्मूले को लेकर के यहाँ पर संकल्प यहाँ से लेकर के जाना है। क्यों कि 2003 के पहले 65 साल तक इस जिले में कांग्रेस की सत्ता रही। आप सब लोग जानते हैं कि झाबुआ जिले से लेकर के अलीराजपुर और रतलाम के ग्रामीण तक, हर गांव तक अगर सड़क पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 24 घंटे बिजली हर घर में, गांव में हमें 24 घंटे बिजली वापरने की अगर कोई सरकार ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। हर खेत को सिंचित करने के लिए, जो खेत के ऊपर जो हमें सब मर्सिबल चलाने के लिए जो बिजली देने का काम 10 घंटे किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान, हर वर्ग के लिए अगर निजी फायदे का काम, जो लोक कल्याण की नीतियां हैं वो अगर बनाने का काम किया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो निजी हित की जितनी योजनाएं हैं, सार्वजनिक हित के जितने काम हैं, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2003 के पहले का झाबुआ अलीराजपुर रतलाम कैसा था और 2003 के बाद आज झाबुआ अलीराजपुर रतलाम जिले के गांव, गरीब, किसान की जो स्थिति सुधार हुआ है वो तुलना करके हम सब लोगों को बताना है। और हम सबके बीच में हमारे इस लोकसभा क्षेत्र की बहन प्रत्याशी, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अनीता नागर सिंह चौहान जी मंच पर उपस्थित हो चुकी है। जोरदार दोनों हाथ उठाओ, तालियां से उनका स्वागत कीजिए और संकल्प करिए, बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठाओ यार, ऐसे नहीं, बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के भारत माता की। कांग्रेस धर्म निरपेक्षता का राह पलाप की है और दूसरी तरफ इस देश के अंदर जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को तोड़ करके, टुकड़ा करके वो हम सबको बांट करके राज करना चाहती है। बंधुओं, इन कांग्रेसियों को हमें लोकसभा के इस चुनाव में 2023 को, हमने विधानसभा में कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, आज हमें अपने अपने मतदान केंद्र की स्थिति को सुधारने का अवसर है। 24 के इस लोकसभा में 13 मई को अपने अपने मतदान केंद्र पर भारी बहुमत से भाजपा को, अनीता नागर सिंह चौहान को जिताने का संकल्प हमें लेना है। बताओ आप सब लोग तैयार है? तैयार है तो दोनों हाथ उठाओ और संकल्प करो, और संकल्प करते समय ये पंजा मत दिखाओ यार, इसी को तो ठिकाने लगाना है। बोलिए भारत माता की।
पीछे तक आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम। मैं बोलूंगा आपकी बार, आपको बोलना है 400 बार, फिर बोलूंगा, फिर इस बार मोदी सरकार, अब की बार, दोनों हाथ उठेगा, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आएगा तो, आएगा तो जय जय श्री राम, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।